नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है, चाहे वह अच्छे कर्म करे या बुरे, चाहे इस जन्म में हुए अगले जन्म में उसके द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल उसे किसी न किसी माध्यम से अवश्य ही प्राप्त होता है। कई बार मनुष्य अपने भाग्य के कारण धनवान बन जाते हैं, इसके पीछे उनके पिछले जन्म के पुण्य ही शामिल होते हैं और उसका भाग्य चमक जाता है। पिछले जन्म के कर्मों का परम तक देते हैं और इस जन्म के कर्म को पुरुषार्थ कहा जाता है। जब मनुष्य पुरुषार्थ करता है, अर्थात इस जन्म में कर्म करता है, तो उसे उसी कार्य में सफलता दिलाने का काम पिछले जन्म के पुण्य करते हैं। इसी प्रकार ये चक्र चलता है, इसलिए मनुष्य को सदैव पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना पुरुषार्थ मनुष्य को कभी सफलता नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मनुष्य निरंतर अच्छे कर्म करे और प्रयास करता रहे तो अपने भाग्य को भी बदल सकता है। उसके जीवन से दुखों का अंधकार नष्ट होता है और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। कई बार कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी मनुष्य को किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती, इसलिए मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन चार कार्यों को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य ये चार काम नित्य करता है उसे अवश्य ही सफलता मिलता है और उसके द्वारा पिछले जन्म के किए गए पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन कार्यों के बारे में जो मनुष्य नित्य चार काम करता है उसे जीवन में कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। तो आइए जान लेते हैं। पहली बात, ब्रह्म मुहूर्त में जागना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जागना सबसे अधिक फल देता है। यह समय होता है जब सारा संसार अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रतीक्षा में होता है। इस वजह संसार में सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। एकमात्र ऐसा समय है जो मनुष्य के मन को भय, क्रोध, अहंकार इन सभी विकारों से ऊपर उठाता है और उसे सफल होने में उसकी सहायता करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जाकर ईश्वर का ध्यान करे और अपने कार्य में लगा रहे। दूसरी बात, सूर्य को अर्घ देना। सैकड़ों युग बीत गए, सृष्टि का भी कई बार विनाश हुआ है, परंतु सूर्यदेव सदा ही आकाश में विद्यमान है। सूर्यदेव को मनुष्य के सभी जन्मों का ज्ञान है, इसलिए सूर्य की उपासना करके मनुष्य अपने पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का फल इस जन्म में प्राप्त कर सकता है। सूर्यदेव को नित्य अर्घ देने से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता एवं नकारात्मकता का नाश होता है और मनुष्य सदैव उन्नति करता है। इसलिए यदि किसी मनुष्य को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कितनी भी मेहनत करने के बाद सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसे नित्य सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। सूर्य देव की कृपा से उसके सभी कार्य बनने लगेंगे। तीसरी बात, पीपल के वृक्ष की पूजा। हिंदू धर्म में कुछ वृक्षों को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है। इसमें पीपल के वृक्ष की पूजा करना सबसे अधिक महत्व है। पीपल के वृक्ष की पूजा से मनुष्य का भाग्योदय होता है और उसके जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानियों का अंत हो जाता है। इसलिए मनुष्य नित्य पीपल के वृक्ष की नमस्कार करना चाहिए और शाम के समय दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। चौथी बात, गंगा स्नान। हजारों साल से गंगा नदी इस संसार को जल प्रदान करती है, अतः गंगा में स्नान करने से मनुष्य के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। यदि नित्य गंगा नदी में स्नान करना असंभव है तो घर में ही स्वच्छ पानी से स्नान करते हुए गंगा नदी का स्मरण करना चाहिए और उन्हें नमस्कार करते हुए जल से स्नान करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के द्वारा किए गए सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और जो भी उसके जीवन में समस्याएं चल रहा था वो समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी वह चार काम जो मनुष्य को जीवन में सभी कार्यों में सफलता दिला सकते हैं। यदि आपके इस जीवन में परेशानी है तो आप ये चार उपाय अवश्य करें। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।